हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले उन्हें देखिए, क्योंकि वहाँ से ही आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना स्टार्ट होते हैं। और जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएंगी, आपके क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो अभी हम क्लास 7 पर ही हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है संघ सूची, जिसे हम केंद्र सूची भी कहते हैं, और राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें कितने विषय शामिल हैं? तो आंसर है, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 हैं। नेक्स्ट, राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब ये 61 हो चुके हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में ये 52 विषय हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कि अब संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल किए गए हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि संघ सूची में यहाँ पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को होता है, राज्य सूची में राज्य बनाते हैं, और समवर्ती सूची इसमें केंद्र और राज्य जो है वो दोनों ही बना सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, संघ सूची के अंतर्गत विषय आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो केंद्र सूची के अंतर्गत कौन से विषय सम्मिलित किए गए हैं। फर्स्ट है प्रतिरक्षा, यानी प्रतिरक्षा से संबंधित कानून जो है वो हमारा केंद्र बनाता है। विदेशी मामले से संबंधित, बैंकिंग, संचार, रेलवे और मुद्रा, ये सभी जो विषय हैं वो केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, राज्य सूची के अंतर्गत विषय कौन से आते हैं। तो अब राज्य जो है वो कौन कौन से कानून जो है बनाने का अधिकार रखता है, जिस पर केंद्र जो है वह अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो राज्य जो है वो पुलिस, स्थानीय व्यापार व वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, इनसे संबंधित जो कानून है वो बना सकता है। तो ये जो विषय है ये आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही कानून का निर्णय लेते हैं, लेकिन ये भी याद रखना है कि अगर कई बार केंद्र और राज्य में टकराव हो जाए तो जो केंद्र है उसको ही ध्यान में रखा जाएगा, यानी केंद्र की बात जो है वही ध्यान में रखी जाएगी। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय आते हैं वन, शिक्षा, मजदूर संघ और विवाह विधि। ठीक है, तो याद रखना है कि शिक्षा के ऊपर केंद्र अपना नया कानून बना सकता है और राज्य जो है वह भी बना सकता है, लेकिन अगर दोनों में टकराव हो गई तो हमेशा केंद्र की बात जो है वही रखी जाएगी, क्योंकि आखिर जो बड़ा है वो केंद्र ही है। राजस्थान राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या है, राजस्थान राज्य में विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 200 है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम होती है, यानी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो यह कम से कम 40 सदस्य जो है वह होनी चाहिए। देखिए, राजस्थान में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ केवल विधानसभा है राजस्थान में, लेकिन और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है, और कुछ राज्य हैं जहां पर विधान परिषद नहीं है। राज्य सरकार की शक्तियों के कितने अंग हैं? राज्य सरकार की शक्तियों के अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका के अंतर्गत ही स्थायी कार्यपालिका आती है, ठीक है, लेकिन राज्य सरकार के तीन ही अंग हैं, याद रखना है, केवल तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यहाँ जो लिखा हुआ है और स्थायी कार्यपालिका, ये कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। तो कार्यपालिका यानी कि जहां पर कानून के ऊपर जो कार्य करेंगे, कानून जब बनेगा तो उसके ऊपर कार्य करने वाले जो अधिकारी होंगे वो यहाँ शामिल होंगे। विधायिका के अंतर्गत कानून बनाने का कार्य होता है, और न्यायपालिका जो कि इन दोनों के बीच में निर्णय का कार्य करता है। लेकिन न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों से ही बिल्कुल अलग होता है। विधायिका का क्या कार्य होता है? चलिए अब हम देखते हैं कि विधायिका का क्या कार्य होता है। विधायिका, जैसा कि नाम से पता है, विधायिका यानी विधि,
और विधि यानी कानून, लॉ। तो यहाँ कानून बनाने का कार्य जो है वो विधायिका का होता है। ठीक है, याद रखना है कि राज्य सरकार के अंतर्गत तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है उसका काम होता है कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? अब कार्यपालिका का क्या काम होता है कि जो कानून बना है, जो विधायिका ने कानून बनाया है, उसे लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो जो कानून को लागू करते हैं उनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सरकारी अधिकारी। जो हमने स्थायी कार्यपालिका हमने पहले देखी थी वो ही, उसी के अंतर्गत सरकारी अधिकारी जो है वो आते हैं। ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो राज्य सरकार के तीन ही अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आया? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सरकारी अधिकारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, विधायिका में कौन कौन आते हैं? अब कानून जिन्होंने बनाया तो उनके उसके अंतर्गत आएंगे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यानी संसद। जैसे कि केंद्र में संसद आती है, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये सभी कानून को बनाने का कार्य करते हैं। न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं? अब देखिए, न्यायपालिका में आते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो आते हैं। लेकिन जब हम केंद्र की बात करते हैं तो वहां न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय जो है वह भी सम्मिलित होता है। ठीक है, ये याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होता है। नेक्स्ट है किसके पास कार्यपालिका और विधायिका दोनों की शक्तियां होती हैं? तो हमने देखा था कि राज्यपाल को हमने कार्यपालिका के अंतर्गत भी देखा था और विधायिका के अंतर्गत भी देखा था। तो कार्यपालिका जहां पर कानून को लागू करने की बात है तो बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के वो कोई भी कानून जो है वो पास नहीं होता है। और विधायिका के अंतर्गत भी देखा कि जब कानून को बना रहे होते हैं वहां पर भी राज्यपाल का अहम रोल होता है। तो राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों की शक्तियों में उसकी भागीदारी होती है। नेक्स्ट है राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? देखिए, संवैधानिक यानी कि संविधान मुखिया। ठीक है, तो राज्य का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो होता है राज्यपाल। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य का मुखिया कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल। लेकिन जब हम ऐसे देखते हैं कि राज्य का वास्तविक मुखिया कौन होता है तो तब आंसर आएगा आपका मुख्यमंत्री। याद रखना है राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है और वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जितने वर्ष चाहता है उतने वर्ष तक राज्यपाल जो है उस राज्य का राज्यपाल रह सकता है। और इस उम्र जो है सॉरी उम्र नहीं वर्ष जो है वो 5 साल जो है वो इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि लगभग 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट देखेंगे स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो हमने देखा था राज्य के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। स्थायी कार्यपालिका जो है वो कार्यपालिका का ही एक अंग होता है। तो इसमें जो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते हैं बल्कि सरकार उन्हें लंबे समय तक के लिए नियुक्त करती है, जैसे सचिव है, अन्य प्रशासनिक अधिकारी है, आईएएस, पीसीएस, तो ये सभी क्या है, स्थायी कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। तो ये सरकार की सहायता करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं और काफी लंबे समय तक सरकार जो है इनकी नियुक्त इन्हें कर देती है। तो इन्हें सीधा जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 18 है राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो
राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र जो है वो 35 वर्ष है और आपके पास कोई कोई इस तरीके की सरकारी जो है वो जॉब नहीं है और आपने 35 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आप इस देश के नागरिक हो, उस राज्य के नागरिक हो, तो आप भी राज्यपाल पद के लिए निर्वाचित हो सकते हो। तो राज्यपाल बनने के लिए उम्र जो है वो केवल 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राज्यपाल जो है वह उस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन 20 है, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेता है कि कौन कौन से मंत्री जो हैं वो आप मंत्रिमंडल में हो सकते हैं, तो यह सलाह जो है वो मुख्यमंत्री से लेता है और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की विधायिका के सत्र को आहूत आहूत यानी कि बुलाना और प्रथम सत्र को संबोधित कौन करता है? तो देखिए, राज्य की विधायिका के जो सत्र होता है उसको बुलाने का काम और प्रथम सत्र को संबोधित करने का काम कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि राज्य की विधायिका के सत्र की जो बैठक है, बैठक कौन करता है? तो वो अध्यक्ष करता है। वो उस विधानसभा में से ही एक अध्यक्ष चुना जाता है और वो अध्यक्ष जो है वो बैठक में अध्यक्षता करता है, लेकिन उस सत्र को बुलाने का काम और संबोधित करने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, 23, राज्य में कोई भी पारित विधेयक किसकी स्वीकृति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बन सकता है? हमने देखा कि कार्यपालिका और विधायिका, वहां पर राज्यपाल का अहम रोल होता है। तो अगर कोई भी विधेयक है जो कि पारित हुआ है तो वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है, तो वहां पर राज्यपाल के हस्ताक्षर जो है वो होने चाहिए, जब ही कोई विधेयक है कानून बन सकता है। नेक्स्ट है, 24, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कौन सा विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता? तो देखिए, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना जो धन विधेयक होता है, जब बजट बनता है तो उस समय जो धन विधेयक होता है वह विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता राज्यपाल की स्वीकृति के बिना। क्वेश्चन 25 है, राज्य में आपातकालीन शक्तियां क्या हैं? तो राज्य में आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो हैं जिनका प्रयोग राज्यपाल निर्वाचित सरकार के स्थान पर राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में करता है। तो राज्यपाल को ये अधिकार होता है कि वह जब राष्ट्रपति शासन लग रहा होता है तो सारे शक्ति है वो राज्यपाल के पास आ जाती है। तो राज्यपाल किसी से भी इसकी राय नहीं मांगता है, उसके पास शक्ति होती है तो वह वहां निर्णय लेने के लिए तैयार होता है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में बैठक बुलाना इतने जल्दी से संभव नहीं हो पाता है, तो राज्यपाल के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं। चलिए, इसके बाद का हम कल करेंगे। आज हमने 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो कर लिया है। सेकंड पार्ट इसका आएगा, थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा है इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। तो हम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, आपको समझते हुए चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।